हमको ना प्लास्टिक वाला चुनौती से बढ़िया स्टील वाला चुनौती लगता है। चुनौतियाँ भुलाता बहुत है ना भैया, तो इसीलिए स्टील वाला नहीं लेते, महंगा पड़ता है। गरीब आदमी है तो का ठीक है जैसा चल रहा है। कहा सचिव जी, प्रधान जी के यहाँ से आ रहे हैं? हाँ हम भी कहा पूछ रहे हैं, और कहाँ से आइएगा, बात किए थे किस बारे में? अच्छा हाँ, वो रोड का जो बता रहे, हाँ बात हुई उनसे, एग्जैक्ट डेट कमिट कर पाना तो अभी थोड़ा मुश्किल है, पर है सब अंडर प्रोसेस ही है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है। विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। सड़क तो बड़का भारी बात है भैया, वो हमारे पैखानवा बनने वाला था है, तो उसमें दीवाल खड़ा कर दिए, अभी तक तो लैट्रिन के सीटवे नहीं लगा है। जगमोहन के यहाँ एकदम उल्टा किए है, वहाँ सीट लगा दिए हैं लेकिन दीवार खड़ा नहीं किए हैं। बताइए उसमें जाता भी क्या करेगा बेचारा भैया। देखिए भूषण जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा। यही तो दिक्कत है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अब आप ऐसे बात करोगे तो फिर मैं ही क्या बोलूंगा, बताओ क्या बोलिएगा। प्रधान जी लौकी दे दे के आपका मुंह जो चुप कर रखे है। भूषण जी क्या सब बोल रहे हो आप, ये लौकी प्रधान जी ऐसे ही देते हैं दोस्ती यारी में? यही दोस्ती यारी के चक्कर में आप प्रधान जी को खुला छूट दे रखे हैं, हैं? पता है तालाब खोद कर ये लोग मिट्टी बेच रहे हैं। अरे तो वो पैसा किसी की जेब में थोड़ी जाएगा, सीसीटीवी कैमरा लगेंगे उससे। अरे जाइए सीसीटीवी कैमरा, हम लोग क्या करेंगे सीसीटीवी कैमरा का, हैं? जो चीज खराब है रोड बनवाइए ना, बड़े आए कैमरा लगाने वाले। अरे सुनिए, आप सरकारी सचिव हैं, कायदे से आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, आप प्रधान जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो दोस्ती कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं। जानता है विनोद, अंगूठा लेने के लिए फाइल लेकर घर तक जाते हैं।